السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران الإسلام تهارت کے باب میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں. ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. उन्हीं गलतियों में से एक गलती ये है कि मुसलमान जब उर्दू करता है तो उसको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो मालूम करे और आपकी सुन्नत के मुताबिक उर्दू करने की कोशिश करे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उर्दू करते और सर का मसा आप करते तो सर का मुकम्मल मसा किया करते थे आप सर का जहाँ आगाज़ होता है मसाह का आगाज़ वहाँ से करते और गर्दन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर का मसाह किया करते थे बहुत सारे मुसलमान सर का मसाह करते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि या तो आधे सर का मसा होता है या बाद सर का मसाह होता है और मुकम्मल सर के मसाह बहुत सारे मुसलमान तर्क कर देते हैं छोड़ देते हैं जबकि ये सुन्नत है सुन्नत का तरीक़ा ये है कि मुकम्मल सर का मसा किया जाए आधे सर का या सर के कुछ हिस्से का मसा करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है मुसलमानों को इस अमल से अपने आप को बचाना चाहिए जो गलतियां तहारत के बाब में वाक़ होती हैं उन्हीं गलतियों में से ग़लती ये भी है कि उर्दू करने के बाद जब मुसलमान उर्दू से फारिग हो जाता है उजो मुकम्मल हो जाता है तो कुछ मुसलमान ये समझते हैं ये तसुर रखते हैं कि अगर कोई मुसलमान उर्दू करने के बाद अपने नाखून काट लिया नाखून तराश लिया या अपने सर के बाल काट लिया तो वो समझते हैं कि इसकी वजह से वजू टूट जाता है बल्कि बाद मुसलमान तो ये समझते हैं कि अपने सर के बाल काटने के बाद नमाज अदा करने के लिए गसल करना जरूरी है ये बातल ख्याल है ये गलत तस्वूर है सर के बाल काटने से वजू नहीं टूटता चाहे जाए कि उस को गसल की हाजत पेश आए गसल की जरूरत पेश आए और इसी तरीके से अपने कोई नाखून काटता है तो ऐसी सूरत में नाखून तराशने की वजह से उसका वजू बातिल नहीं होता नहीं टूटता अगर वो वजू किया हुआ था और नाखून काट लिया सर के बाल काट लिया तो नाखून तराशने के बाद सल के बाल काटने के बाद अगर मुसलमान अपने पहले वजू से नमाज अदा करना चाहे तो वो उसी वज़ू से नमाज अदा कर सकता है उजू के यादे की दोबारा उसको हाजत नहीं है उसको ज़रूरत नहीं है दरअसल मुसलमानों में मुसीबत और तकलीफ़ ये होती है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं मुसलमान उन चीज ज़रूरी चीज़ों को जानने में कोताही बरतता है म हासिल नहीं करता जहालत आम हो गई है जिसकी वजह से गलत तस्वूर गलत आ, सोच गलत अफकार मुसलमानों में दर आए हैं लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि शरीयत का इल हासिल करें शरीयत का इल हासिल करते हुए अपने सारे अमाल को क़ुरान और हदीस के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जब तक जिंदा रखे सुन्नत पर आमिल बनाकर अल्लाह ताला ज़िंदा रखे और जब अल्लाह ताली मुतदा फरमाए ईमान और इस्लाम और ईमान पर अल्लाह ताली हम ही मौत देसन खात्मा نسي فرمائے امین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته